हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द लास्ट एयरबेंडर। फाइनली 100 साल बाद एक मॉक जाग गया है जो चारों एलिमेंट्स को मास्टर करके इस दुनिया को अग्नि राज्य से बचाएगा जो इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में चार तरह की शक्तियां हैं, हवा, पानी, भूमि और अग्नि। किसी एक देश के लोग इनमें से किसी एक शक्ति को काबू कर सकते हैं सिवाय अवतार के, क्योंकि अवतार ही इन चारों शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। इधर बर्फीले देश में हम कटारा को देखते हैं जो अपने भाई सोका के साथ खाने की तलाश में आई है, पर तभी इन्हें बर्फ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। सोका बर्फ को तोड़कर देखता है कि इसमें क्या है। तभी आसपास की बर्फ टूटने लगती है और इसमें से एक बड़ा बर्फ का गोला बाहर आता है। तभी कटारा उसे तोड़ने की कोशिश करती है और इसके टूटते ही गोले में से एनर्जी निकलकर आसमान में जाती है और दूर से ही इस एनर्जी को अग्नि देश का राजकुमार ज़ुको देख लेता है। कटारा जब करीब आकर देखती है तो उसे इसमें एक छोटा लड़का और एक विशाल बायसन मिलता है। इस बच्चे का नाम एंग है। ये दोनों देखते हैं कि एंग काफी कमजोर है, इसीलिए ये दोनों इसे अपने साथ अपने गांव ले आते हैं। और तभी अग्नि देश का शिप इनके गांव की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर सोका बच्चों और एंग को कहीं छिपा देते हैं। और फिर अग्नि देश के राजकुमार ज़ुको अपने सिपाहियों के साथ इनके गांव में घुस आता है और अपने सिपाहियों से सभी बच्चों को लाने के लिए कहता है। और फिर इनके सिपाही एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। इन्हें एंग भी मिल जाता है। जब ज़ुको इसके सर पर निशान देखता है तो एंग को अपने साथ अपने शिप पर ले आता है। कटारा अपने भाई सोका को मनाने की कोशिश करती है कि हमें एंग को बचाना चाहिए। और जब ये अपने रूम से बाहर आते हैं तो इन्हें एंग का बड़ा सा जानवर दिखाई देता है जिसका नाम आपा है, जो हवा में भी उड़ सकता है। सोका अपनी दादी से बात करता है ये अवतार के बारे में और उन टैटूज के बारे में जानना चाहता है जो एंग के सर पर बने हुए थे। इसकी दादी सोका को बताती है कि आखिरी अवतार एक एयरबेंडर था, यानी हवा को कंट्रोल करने वाला। वही नया अवतार है और हमें अग्नि देश के जुल्म से वही बचाएगा। सिर्फ अवतार ही इन चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। इधर शिप पर ज़ुको के अंकल अवतार के सामने एक कैंडल, पत्थर और थोड़ा सा पानी रखते हैं ताकि ये टेस्ट कर सकें कि ये अवतार है या नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों चीजें हिलने लगी और इससे इन्हें पता चलता है कि यही बच्चा अवतार है जो चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ज़ुको इसे खतरा मानते हुए कैद करके अपने अग्नि देश ले जाना चाहता है, पर एंग अभी एक एयरबेंडर है इसीलिए हवा को काबू करके वहां से भागने की कोशिश करता है और शिप के ऊपर आकर देखता है कि आपा पर बैठकर उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आए हैं। मौका देखते ही अवतार अपने लीडर की मदद से शिप से भाग जाता है और ऊपर आपा के पास चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंग वापस अपने टेंपल पर आता है जहां पर ये ट्रेनिंग करता था और यहां आते ही इसे अपने दोस्त लीमर मिलता है, पर इसके अलावा इसे यहां कोई और नहीं दिखाई देता। चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हैं, क्योंकि सालों पहले यहां के मंदिरों में घुसकर अग्नि देश के लोगों ने इनके सारे मास्टर को मार दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अवतार यही होगा। और धीरे धीरे एंग को सब याद आने लगता है, उसके मास्टर उसे अवतार बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि ये चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सके, पर एंग इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहता था इसलिए ये वहाँ से भाग गया। पर रास्ते में इसे एक तूफान घेर लेता है और इस खतरनाक तूफान से बचने के लिए एंग अपने चारों तरफ एक कवच का गोला बना लेता है और फिर ये गोला पानी में गिर जाता है और ठंड की वजह से जम जाता है और अवतार अगले 100 सालों तक के लिए बर्फ में ही जम जाता है, जिसके बाद इसे कटारा ने जगाया है। अग्नि देश जानता था कि एंग उन्हें खत्म कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस मंदिर के सभी मास्टर को मार दिया ताकि एंग चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल न कर पाए। इसके बाद एंग को अपने मास्टर का लॉकेट मिलता है जिससे उसे अपने मास्टर की मौत का बहुत अफसोस होता है और फिर एंग गुस्से में रोने लगता है जिससे उसकी अंदर की शक्तियां रिलीज हो जाती हैं। फिर एंग आत्माओं की दुनिया में चला जाता है जहां पर इसे ड्रैगन की आत्मा मिलती है जो अवतार को 100 साल बाद देख रही है। इधर ज़ुको से मिलने अग्नि देश के कमांडर आते हैं, क्योंकि ज़ुको अवतार को पकड़ने में नाकामयाब रहा इसलिए वो ज़ुको से एक आम सिपाही की तरह बात करते हैं और कमांडर पूरी आर्मी के सामने ज़ुको की बेइज्जती करते हैं। ज़ुको को इस पर बहुत गुस्सा आता है पर उसके अंकल उसे शांत कर लेते हैं। पर जाते जाते ज़ुको कमांडर से कहता है कि एक दिन मेरे पिता मुझे वापस लेंगे और तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर होगे। इसके बाद ज़ुको बाहर आकर अपने फैमिली मेंबर्स की फोटो देखता है और फिर ये काफी गुस्से में ट्रेनिंग करता है और आसानी से सिपाहियों को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंग अपने दोस्तों के साथ भूमि देश जा रहा है और रास्ते में इसे एक लड़का आता हुआ दिखता है जो कि अग्नि देश के सिपाहियों से भाग रहा था। फिर जल्द ही अग्नि देश के सिपाही इन तीनों को भी बंदी बनाकर ले जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि अग्नि देश के लोगों ने भूमि देश के लोगों के एक गांव को बंदी बना रखा है। अब क्योंकि भूमि देश के लोग भूमि को काबू कर सकते हैं इसीलिए इन्हें अर्थबेंडर कहा जाता है, पर अग्नि देश के लोगों ने भूमि को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। पर यहां आकर एंग इनका हौसला बढ़ाता है कि आप लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इनसे आजाद हो सकते हैं, आप लोग महान अर्थबेंडर हैं। पर ये लोग कहते हैं कि अब हमें हिम्मत नहीं है, लेकिन एंग कहता है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अवतार हूं जो 100 साल पहले गायब हो गया
गया था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ और अब आप लोगों पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। पर अवतार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है जिससे इन लोगों को यकीन हो जाता है कि एंग ही अवतार है। ये देखते ही अग्नि देश के लोग अवतार को मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक बच्चा इन पर पत्थर मारता है। अग्नि देश के सिपाही उस पर आग बरसाने लगते हैं, लेकिन उसके पिता अर्थ बेंडिंग का इस्तेमाल करके उस बच्चे को बचा लेते हैं। फिर देखते देखते पूरे गांव के लोग अर्थ बेंडिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अग्नि देश के सिपाही इनके आगे टिक नहीं पाते और फिर एंग इन सबको एक एक करके गांव से भगा देता है। फिर गांव वाले एंग को उसकी मूर्ति दिखाते हैं कि पिछले जन्म में तुमने एक अर्थ बेंडर के रूप में जन्म लिया था। सोका एंग को बताता है कि अग्नि देश के लोगों ने ऐसे छोटे छोटे और भी गांवों को बंदी बना रखा है, अब हम उन सबको आजाद कर सकते हैं। पर एंग बताता है कि मैं अवतार बनने से पहले ही भाग गया था, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैं अवतार हूँ तो मैं डर गया था कि अवतार अपनी फैमिली नहीं बना सकता, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था और अवतार बनने के लिए मुझे चारों तत्वों को काबू करना जरूरी है। सोका बताता है कि फिर हम तुम्हारे लिए और उस्ताद ढूंढ लेंगे जो तुम्हें दूसरे तत्वों को काबू करना सिखा सके। एंग बताता है कि मैं पहले पानी की शक्तियों को काबू करना चाहता हूँ, क्योंकि हवा के बाद पानी आता है। सोका कहता है कि हमें उत्तरी जल कबीले जाना होगा। एंग कहता है कि हम आपा पर बैठकर जा सकते हैं और फिर ये तीनों उत्तरी जल कबीले की तरफ निकल जाते हैं। इधर अग्नि देश को भी अवतार की ये खबर मिल जाती है और कमांडर अग्नि देश के राजा को बताते हैं कि हमें उत्तरी जल राज्य की कमजोरी मिल गई है, अगर हम उसे हरा दें तो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि अग्नि देश की ताकत क्या है और अवतार भी वहां जा रहा है और हम उसके लिए जाल बिछाएंगे। इधर एंग भी एक मंदिर में आता है जिसे अग्नि देश ने तबाह कर दिया, पर तभी यहां एक बूढ़ा शख्स एंग को पहचान लेता है कि ये तो अवतार है और फिर ये एंग को मंदिर के एक इलाके में ले जाता है और वहां इसे इसकी सारी मूर्तियां दिखाता है कि ये तुम्हारे सारे जन्म के अवतार हैं जो तुमने अब तक लिए हैं। पर जल्दी वहां अग्नि देश के लोग आ जाते हैं क्योंकि ये एक जाल था और फिर सिपाही एंग को पकड़कर ले जाते हैं और फिर सपने में एंग को फिर से वही ड्रैगन की आत्मा दिखाई देती है जो उसे बताती है कि अग्नि देश ने हमारा ज्ञान चुरा लिया है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्द ही वो उत्तरी जल कबीले पर हमला करेंगे, अगर उन्होंने वो कबीला जीत लिया तो वो बहुत जल्दी शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। इसके बाद वहां जल्द ही नकाबपोश आ जाता है जो अवतार को छुड़ा लेता है, पर बाहर आते ही ये लोग घिर जाते हैं और फिर ये दोनों इनका जमकर मुकाबला करते हैं। और इसी बीच एंग किनारे पर आकर भागने ही वाला था, पर तभी वो देखता है कि नकाबपोश घिर चुका है, इसलिए एंग उसे बचाने वापस आ जाता है। पर मौका मिलते ही नकाबपोश एंग के ऊपर तलवार रख देता है, जिस पर कमांडर कहता है कि हमें एंग जिंदा चाहिए, इन्हें जाने दो। और फिर जब ये एंग को ले जाने लगता है तो कमांडर ऊपर से नकाबपोश को एक तीर मरवा देते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। एंग जब इसका नकाब उतार कर देखता है तो उसके पीछे जुको निकलता है। सिपाही इनकी ओर आ रहे थे, पर एंग तेज हवाओं की मदद से चारों तरफ घना कोहरा कर देता है और जुको को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद जुको ठीक होकर वापस से अपने अंकल के पास शिप पर आ जाता है। फिर ये देखता है कि वहां कुछ लीकेज है और जल्द ही ये पूरा शिप धमाके से उड़ जाता है जो कि कमांडर ने करवाया था, और इसे लगता है कि जुको मर गया। जुको जिंदा होता है। इधर एंग भी आपर पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ उत्तरी जल कबीले में आ जाता है और इनके अंदर आते ही वाटर बेंडर पानी की मदद से अपनी सरहद को बंद कर देते हैं। उत्तरी जल राज्य को पहली बार देखकर ये तीनों काफी हैरान हो जाते हैं और फिर अंदर एंग को बड़े बड़े उस्ताद यानी मास्टर मिलते हैं। इधर राजकुमारी और सोका एक दूसरे को देखते ही पसंद करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि एंग एक अवतार है तो वो जल्द ही इसे वाटर बेंडर यानी पानी पर काबू करने की कला सिखाना शुरू कर देते हैं और पहली ही बार में एंग को पानी पर इतना ज्यादा कंट्रोल देखकर मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। इधर अग्नि देश के बड़े बड़े जंगी जहाज भी उत्तरी जल राज्य की तरफ हमले के लिए बढ़ना शुरू कर देते हैं और राजकुमार जुको भी इन्हीं में से किसी एक जहाज में छिपा हुआ है। इधर राजकुमारी और सोका के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और सोका के पूछने पर ये बताती है कि मेरे बाल सफेद इसीलिए हैं क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझ में जान नहीं थी, इसलिए मेरे माता पिता ने चंद्रमा से प्रार्थना करके मुझे पवित्र जल में लिटा दिया था, जिसके बाद चंद्रमा ने मुझे अपनी आत्मा से मुझे जिंदा कर दिया। इधर एंग भी जल्द ही सीख रहा है। इसी दौरान उत्तरी जल राज्य में राग गिरने लगती है, इसका मतलब है कि अग्नि देश के जंगी जहाज काफी करीब आ चुके हैं और जुको भी एक नाव में बैठकर अंदर चुपके से आ जाता है क्योंकि इसके पिता ने इसे अग्नि देश से निकाल दिया है, तो अगर ये अवतार को पकड़कर वहां ले जाएगा तो ये वापस से अग्नि देश जा सकता है। इधर एंग राजकुमारी से पूछते हैं कि यहां कोई ऐसी जगह है जहां मैं ध्यान लगा सकता हूं क्योंकि मुझे ड्रैगन की आत्मा से बात करनी है, शायद वो मुझे अग्नि देश को हराने का कोई तरीका बता सके। और फिर राजकुमारी एंग को अपनी पवित्र जगह पर ले आती है और एंग ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी हम तालाब में दो मछलियों को देखते हैं जिनमें चंद्रमा की आत्मा है। कटारा कहती है कि मैं यहीं रुककर एंग का ध्यान रखूंगी और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुको भी यहां आ जाता है, पर कटारा इसे रोकने की कोशिश करती है और कुछ हद तक रोक भी पाती है।
आती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जूको इस पर हावी हो जाता है और फिर कटारा के पास आकर कहता है कि मैं अवतार के बिना अपने देश नहीं जा सकता। इधर उत्तरी जल राज्य भी अग्नि देश के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है और फिर अग्नि देश के सिपाही बड़ी बड़ी छिपकलियों पर बैठकर हमले के लिए अंदर आने लगते हैं और जमीन के नीचे से भी शहर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। इधर सोका जब कटारा के पास आता है तो वो बेहोश होती है और होश में आने पर बताती है कि जूको यहाँ आया था और वो एंग को अपने साथ ले गया। इधर जूको भी एंग को अकेले में लिटा देता है और शाम होने का इंतजार करता है ताकि ये चुपचाप एंग को लेकर निकल जाए, जबकि एंग अभी भी ध्यान में होता है और ये ड्रैगन की आत्मा से पूछता है कि मैं अग्नि देश को कैसे हरा सकता हूँ। जिस पर ड्रैगन की आत्मा कहती है कि तुम अपने आप को रोक रहे हो, सागर की शक्तियों का इस्तेमाल करो, उन्हें दिखा दो पानी की ताकत क्या होती है और फिर एंग वापस से होश में आ जाता है। पर जूको इसे देख लेता है और एंग इससे बचने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है और इसी बीच वहाँ कटारा आ जाती है और वाटर बेंडिंग के जरिए राजकुमार जूको को पानी में जमा देती है। इधर उत्तरी जल राज्य के वाटर बेंडर अग्नि देश के सिपाहियों को रोकने की कोशिश करते हैं पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है। इसके बाद एंग भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और जैसे जैसे रात होती जाती है चंद्रमा की रोशनी के साथ साथ वाटर बेंडर की शक्तियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं। कमांडर कहता है कि मैं इनकी कमजोरी जानता हूँ और फिर ये उसी तालाब के पास आ जाता है जहाँ पर चंद्रमा की आत्मा मछलियों के रूप में है और ये उन मछलियों को पकड़कर मारने वाला था। पर जूको के अंकल कमांडर से कहते हैं अगर तुमने इस मछली को मारा तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा, पर कमांडर नहीं मानता और उस मछली को मार देता है। राजकुमारी और एंग को महसूस हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि चंद्रमा भी लाल होने लगता है और वाटर बेंडर की शक्तियाँ भी कम होने लगती हैं। अग्नि देश पूरी तरह इन पर हावी हो जाता है। अब अग्नि देश की फौज उत्तरी जल कबीले की दीवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। इधर जूको के अंकल राजकुमारी से कहते हैं कि तुम्हारा अभिषेक चंद्रमा से हुआ है इसलिए तुम्हारा बलिदान ही इस सबको वापस से ठीक कर सकता है और फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी तालाब में जाकर अपना बलिदान दे देती है और चंद्रमा की आत्मा वापस उस मछली में आ जाती है और फिर चांद की रोशनी पहले जैसी हो जाती है। अब वाटर बेंडर फिर से अग्नि देश की सिपाहियों पर हावी हो जाते हैं। इधर जूको कमांडर को भी घेर लेता है लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि इसे छोड़ो भांजे, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, सिपाही बहुत ज्यादा हैं, तुम अभी एंग को यहाँ से नहीं ले जा सकते। और फिर इनके जाने के बाद उत्तरी जल राज्य के वाटर बेंडर आकर कमांडर को घेर लेते हैं और फिर ये अपनी पानी की शक्तियों से कमांडर को उसी में डुबाकर मार देते हैं। इधर हम एंग को देखते हैं जो अब काफी अच्छे से वाटर बेंडिंग का यूज कर रहा है और एंग को देखकर लगता है कि इसने जैसे वाटर बेंडिंग में महारत हासिल कर ली हो, ये वाकई में ही अवतार है। और फिर ये वाटर बेंडिंग की मदद से सिपाहियों को मारता हुआ दीवार की ओर चला जाता है और ऊपर आकर ये देखता है कि समुद्र में अभी भी बहुत ज्यादा जंगी जहाज हैं। अग्नि देश के सिपाही अंदर आते जा रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि एंग अपने आप को शांत कर आजाद छोड़ देता है। एंग की अंदरूनी शक्तियां जाग जाती हैं जिससे एंग पूरे समुद्र के पानी को काबू करने लगता है और उत्तरी जल राज्य के आगे एक बहुत बड़ी समुद्र की दीवार खड़ी कर देता है। और अब अग्नि देश के सभी जंगी जहाज इस सुनामी लहर के नीचे आ जाते हैं। अब एंग इन सभी को डुबाकर मार सकता है इसलिए ये दुम दबाकर भागने लगते हैं और एंग की इस अद्भुत शक्ति को देखकर अंदर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के मास्टर भी पानी की इतनी ज्यादा शक्ति को काबू नहीं कर सके। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एंग को अपना अवतार मान लेते हैं और अवतार भी अब अपनी अवतार की जिम्मेदारी को समझ जाता है। इधर अग्नि देश के राजा को अपनी हार का सामना करना पड़ता है और फिर वो कहते हैं कि 3 साल बाद जब पृथ्वी पर धूमकेतु यानी मेटेरॉइड आएगा तो उसकी आग से अग्नि देश की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, इसीलिए ही अपनी बेटी से कहते हैं कि जब तक तुम्हें अवतार को रोकना होगा ताकि वह पानी के बाद भूमि और अग्नि की शक्तियों को काबू ना कर पाए। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।